प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल होगी सार्क देशों की बैठक। कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए मजबूत रणनीति बनाने पर होगा विचार। दुनिया भर में 5000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा योजना के अनुसार होगा टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन। कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। राज्यों को दी राज्य आपदा राहत कोष का फंड इस्तेमाल करने की मंजूरी। एहतियात के तौर पर राष्ट्रपति भवन ने रद्द किया पद्म पुरस्कार समारोह। मोबाइल फोन पर जीएसटी 12 से बढ़कर 18% हुआ। जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक में फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जीएसटी नेटवर्क को और बेहतर बनाने पर जोर। कहा इंफोसिस हार्डवेयर क्षमता बढ़ाए और कुशल कर्मचारियों की करे भर्ती। देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। ऋषिकेश में एम्स के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। डॉक्टरों से दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की अपील। कहा हर राज्य में एम्स खोलने का है केंद्र का लक्ष्य। और संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में इस हफ्ते हुआ बेहतरीन कामकाज। राज्यसभा में पहले हफ्ते के मुकाबले दूसरे हफ्ते 82.6% बढ़ी कामकाज की उत्पादकता। दो महत्वपूर्ण विधेयक हुए पारित। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक और दिल्ली कानून व्यवस्था पर भी हुई चर्चा।